देखो ये सफाई कर रहा है। अब हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा भाई। फिलहाल ये ले लिया अपना टांटे टेरा सारा जीरा जल जीरा लस्सी। वो दे रहा 50 रुपए की प्लेट राजमा चावल, 30 रुपए में हमारे यहाँ मुंशी प्लेट भर के देवे और आते जाते ना राम राम भी करेगा। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी के? होप कि सब बढ़िया होंगे, लोग अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। यार अभी आपने जो ब्लॉग देखा था, मतलब कल वाला, वो यहीं पे एंड करा था और मैंने यहीं से शुरू करते दूसरा ब्लॉग। तो अभी का सीन ये है फिलहाल कि हमारे पास अभी किचन का कुछ भी सामान है ना, गैस चूल्हा कुछ फर्नीचर मतलब कुछ भी नहीं है अभी। तो आज का जो हमारा खाना होगा वो होगा बाहर। कुछ तुम आज का जो खाना वो बाहर है? ठीक है भाई, आज का हमें खाना पड़ेगा खाना बाहर। तो अभी यहाँ से मतलब पोछा पोछा लग के फिलहाल यहाँ से चलते हैं बाहर खाना खाने। और खाना खा के आगे हम गद्दे वद्दे तो लाए रखे, दिखाता हूँ मतलब अब इस ब्लॉग में पूरा सीन तुम्हारा, कल का ब्रेकफास्ट भी सब आ जाएगा इसमें, कवर हो जाएगा। ये मेरे दोनों बच्चे लग रहे साफ सफाई में। राजा अंधा तुम्हारा भाई नहीं करता काम को। ये देखो तो दो बंदे लग रखे मैंने, ठीक है दो लगा रखे पहले। बढ़िया कर रहे अंदर वाला वो कर दे भाई। सबसे गंदी चीज मुझे लगी यहाँ की, सबसे गंदी आई भाई मेरा तो बिल्कुल भी चीज नहीं आया। हम कल को क्या था, वो क्या होता है, वो साफ करवाने वाले होते हैं जो। हाँ तो हम कल को ना मतलब एक साफ सफाई वाले अंकल बुला लेंगे। वैसे सिद्धार्थ कह रहा है कि सिद्धार्थ मुझे कह रहा है कि 150 रुपये मुझे दे दो मैं कर दूंगा साफ, पर हम सिद्धार्थ को पैसा नहीं देना चाह रहे, इससे मुझे खाना भी बनवाना है ना। ये देखो इतनी गंदी सीट हो रही, सिद्धार्थ कह रहा कोई बात नहीं कर लूंगा मैं। आए हाय सिद्धार्थ तो शर्म नहीं है जरा भी। देखो भाई रूम राम सब बढ़िया है, एक नंबर है अपना, पर यहाँ पर्दे वर्दे कुछ भी नहीं है। मुझे अगर पता होता ना यहाँ पर्दे नहीं है, मैं घर से पर्दे लेके आता। और वैसे तो यहाँ लाइट भी नहीं थी, पर यहाँ लाइट भी पता नहीं ओनर ने यहाँ लगा दी लाइट। अब हमारा काम जो बच रहा है इसमें भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ बेड वगैरह हम इस रूम में, ये रूम रहेगा मेरा, यहाँ बेड वगैरह लगाएंगे ठीक। वहाँ सामने किचन का सामान आएगा सारा, और ये सिद्धू अपना कर ही रहा है। यहाँ भी पर्दे वर्दे लगेंगे क्योंकि बाहर से सारा दिखता है। और यहाँ एक छिपकली कुछ रखी, वो हटनी थी बहुत देर हो गई भाई। ओ सिद्धू यार हैंड टू हैंड इसे भी साफ कर दो यार, ब्लॉग ना बनाओ, पता ब्लॉग ना बनाओ, पैसे किस तरह आगे बताइयो। थार इस तरह खड़ी होगी क्या नीचे है? इस तरह खड़ी होगी थार नीचे। जूता कर दिया गिल्ला, कर दिया गिल्ला है क्यों कर ये मेरे से चिढ़ता है मेरे से। देखो ये सफाई कर रहा है। अब आइए से शर्म भैया हाँ 100 रुपए देने के बाद भैया, और मैं बहुत देर से काम कर रहे हैं, हमने सारा साफ किया है और इसने अब तक कुछ नहीं किया है। हाँ ये वीडियो बनवाने के लिए सिर्फ फॉर शॉप और फॉर ब्लॉगिंग, ये ब्लॉग्स के लिए कुछ भी कर सकता है। वो हमें यहाँ की कांता बाई है, कांता बाया, हमने इसको 100 रुपए दिए हैं। अब देखो कितना क्लीन हो गया है, मैं अंदर वाला रूम भी दिखाती हूँ। अभी ये वाला भी सारा हमें साफ करना है ठीक है। ये डिजाइन था मैं इतनी देर से सोच रहा था ना, वो है दिखाना है, मैं सोच रहा था काली से, और अब मुझे पता लगा कि ये ना होता डिजाइन कि आपका दिमाग नहीं है, है ना। गंदी चल रहा है आपका, वो हमारा नहीं, आपका टच मत करो उसे, गंदा है वो। क्या कर रहे हो? ये क्या है हमारा है ना, ये क्या है, ये क्या है पता नहीं। भैया बहुत देर से काम कर रहे हैं और मैं भी, ये अब आया है, इसने कुछ काम नहीं किया। 100 रुपये देख पैसे लेंगे, 200 रुपये खुद पैसे लेके काम कर रहा है और हमें पैसे नहीं दे रहा काम करने के। ये देखो ये बाल्टी उठाता हुआ विशाल प्रजापति द यूट्यूब क्रिएटर। हाँ बिल्कुल सही है, वही है जिसका पेज है यूट्यूब। फोन गिरा दूंगी, आई डोंट केयर इसका फोन न्यू है या पुराना है, पता नहीं, शायद सामान में हूँ इस वाले।
मुझे यार कहाँ चली गई छिपकली, दिख तो रही नहीं कहीं, निकल लो यहाँ से अंदर ही। ओ यार सिद्धू देख, मैंने मना करा था ना यार अपने को ऊपर से पानी आ रहा है। अब ये किचन साफ कर रहे हैं, पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, वहाँ पे है नो। इसके मैं 10 रुपए लेने वाली हूँ। भैया बी लाइक, आज भैया को सारी सफाई करनी है, इसने कुछ नहीं किया, अब किचन साफ कर रहा है। हाँ चलो कुछ तो कर रहा है, बहुत देर पहले बनानी चाहिए थी फिर इसकी वीडियोस, आज तो सफाई कर लेता। अभी बहुत जोश में है, झूठ है, सिर्फ किचन किया हमने, कुछ कर दिया था यार। अभी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इन्होंने बस थोड़ा सा काम किया है, 100 रुपए में 2 कमरे दो और भैया इनसे काम लेते हुए, ये इनके प्रिंसिपल हैं और ये एजेंट है। अच्छे से काम करिए साई बाप, आप क्या कहना चाहते हैं? शर्ट आप रहोगे, चेकिंग चलती है, देखिए इस चौराहे पे हमने साफ सफाई में इतने ज़्यादा मतलब विलीन हो गए थे, अपना रात के बज रहे 11, अब हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, मतलब मिल रहा है सावन चल रहा है लेकिन नॉन वेज है सारा, देखो सब नॉन वेज में मिल रहा, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, अभी हम ढूंढ रहे हैं थाली वाली, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, वरना जय श्री राम करके सोना पड़ेगा आज। हाँ इसे देखो, अभी 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 सर्टिफिकेट सब जाता राइडर बोलती पब्लिक से बनवा लेते भाई। फिलहाल ये ले लिया अपना टांट टेरा सारा जीरा जल जीरा लस्सी मैगी, ठीक है भाई अब कम से कम इसमें हमारा पेट तो भर जाए भाई। फिलहाल हम आ गए घर, भूख अब भी बहुत तेज लग रही, कंट्रोल तो हो नहीं रहा, खैर बस काम चलाना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा फिर। ये हमारा सामान, ओ भाई सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज ना, मतलब अब ध्यान आई मेरे कि मम्मी ने ना खाना दिया था कि लेना ये खाना, मतलब याद है डिक्की में पिछले वाले व्लॉग में मैंने डिक्की में खाना डाला था, वो खाना डिक्की में ही रह गया, अब ध्यान आया मैंने कहा यार खाना भी तो रखा है मम्मी का दिया हुआ, अब फटाफट सिद्धार्थ गया नीचे खाना लेने और वो खाना खा के मतलब मजे में रह लेंगे यार। सही करा मम्मी, मैं ना लेके भी नहीं आ रहा था खाना, लिटरली मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आ रहा था, पर मम्मी ने कहा ले जा ले जा ले जा, अब हो जाएगा ना हमारा इसमें फिलहाल तो। चलो भाई चप्पलें कर देते हैं साइड, और गेट हो गया बंद हमारा भाई, इसमें खाना है हमारा, ये केले हैं, केले सही हैं फिलहाल है ना, केले ठीक ठाक हैं। ओ भाई ओ कबाब भी लाया था मैं तो भूल गया, शिट यार नहीं सब सही होगा, इसमें पीले चावल है गर्म हो रहे, चलो बनाओ निकाल लो। तो भाई पहले इसको खा लेता हूँ, मेरे को ना यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, भूख लग रही सिद्धू भाई, लगेगी नहीं क्या 6 बजे के भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने तो आज बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था सुबह से, तो फिलहाल खाना खा खाना खाना खा के करते हैं, देखो भाई कबाब खाना खाना खा भाई। अभी हमारा सीन ये है कि ना यहाँ पर्दे नहीं, और बाहर से ना रूम के अंदर का सारा सामान दिख रहा है हमारा, सब मतलब मतलब हमारा रखा हुआ सामान दिख रहा है, सीधा खड़ा हो ठीक है। फिलहाल का सीन ये है भाई कि ना अभी हम अपनी मम्मी ने जो बेडशीट दी थी ना वो लगभग खड़ा देता हूँ यहाँ, चल सीधे खड़ा हो कैसे
चलो भाई मिशन कंप्लीट। लाल के लिए गुड नाइट, ठीक है।